मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रेलवे अधिकारी उस वक्त सकते में आ गए जब उन्हें लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पर एक हादसे की खबर मिली। ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से यहां एक बड़ा हादसा होने से टल गया। देखिए खास रिपोर्ट। हुआ यूं कि फोर व्हीलर पार्सल लोडिंग वाहन का चालक नशे में गाड़ी लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा और गाड़ी को ट्रैक पर रख कूद कर भाग गया। इस दौरान रात करीब 9:20 पर भोपाल इंटरसिटी ट्रेन आ रही थी। ट्रेन के ड्राइवर ने ट्रैक पर गाड़ी को देख सूझबूझ दिखाई और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। हालांकि ब्रेक लगने के बाद भी ट्रेन लोडिंग वाहन से टकरा गई। इस घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर लोडिंग वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। देखा जाए तो यहाँ एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के बाद रेलवे अधिकारी हरकत में आ गए हैं। रेलवे पीआरओ की माने तो इस पूरी घटना की जांच करवाई जा रही है, साथ ही लोडिंग वाहन के ड्राइवर के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराया जा रहा है। और देखिएगा, इंदौर का जो के पास में लक्ष्मी नगर है स्टेशन, वहां पे कल रात को भोपाल से इंदौर आ रही इंटरसिटी करीब 9:20 पे जब वो आ रही थी तो उसने देखा कि ट्रैक पे एक लोडिंग जो है जीप है या जो भी वाहन है वो प्लेटफॉर्म के आगे गिरा हुआ है। तो उसको देखते हुए हमारे लोको पायलट ने ब्रेक लगाते हुए उसको बहुत स्लो करके और उस तक पहुंचा है और थोड़ा सा आगे तक उसको घसीटते ले गया है। एक कोई भी व्यक्ति जो लोडिंग रिक्शा जो कि टेंट हाउस का था, उसको जहाँ से पार्सल की चीज़ें स्टेशन पर आती है वहाँ से स्टेशन पर लाया और उसने प्लेटफॉर्म पर कुदा दिया उसको, और कुदाने के बाद में भाग गया वो। इसमें कोई जनहानि नहीं है, लेकिन प्रकरण ऐसा है कि उसको दर्ज किया जाएगा और साथ में उसको देखा जाएगा कि इस तरह का वाकया हुआ कैसे। तो कुल मिला के ये लोगों ने बताया है कि जो ड्राइवर था उसका, जो वाहन का, वो बहुत दारू पिए हुए था और वो लाके उसने इस तरह का वाकया किया है, तो रेल प्रशासन उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करेगा। देखा जाए तो इस हादसे ने कई सवाल तो खड़े किए ही है, वही रेलवे अधिकारियों को एक सीख भी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।